सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। बॉलीवुड इंडस्ट्री का ऑस्कर कहा जाने वाला अवार्ड शो आईफा आज से बैंकॉक में शुरू हो रहा है। इस बार आईफा अवार्ड्स 24 जून तक चलने वाले हैं। इस साल आईफा अवार्ड्स में रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर, बॉबी देओल, कृति सैनन, रेखा, आयुष्मान खुराना, अनिल कपूर समेत कई सितारे परफॉर्म करेंगे। अभिनेता शाहिद कपूर भी परफॉर्मेंस देने वाले थे, मगर रिहर्सल के दौरान पीठ पर चोट के कारण वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रेखा का एक बेहद खास परफॉर्मेंस होगा। सदाबहार अभिनेत्री रेखा स्टेज पर 20 साल बाद परफॉर्म करती नजर आएंगी। करण जौहर और रितेश देशमुख इस शो को होस्ट करते नजर आएंगे। अनुपम खेर को इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों सहित 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके अनुपम ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म सारांश से की थी। टेक्निकल कैटेगरी में कई लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें फिल्म जग्गा जासूस, बरेली की बर्फी और न्यूटन से जुड़े कलाकार हैं। आईफा का प्रसारण कलर्स टीवी पर किया जाएगा। आईफा के 19वें संस्करण के भव्य आयोजन के लिए आयोजकों ने 2000 सीटों वाले सियाम निरामित थिएटर को चुना है। कुणाल के साथ पल्लवी, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।